हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने और आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और दोस्तों, यहां पर ना पूरा चक्का जाम है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गई है। पूरा CST से लेके गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, सब कुछ यहाँ पर एकदम जाम हो चुका है भाई। यहाँ पर करीब आज के दिन 12 से 14 लाख लोगों की भीड़ है। अभी मैं जब आपको ये पूरी वीडियो दिखाऊंगा ना, तो आप खुद ये देखकर हैरान हो जाओगे। अभी तक ऐसी वीडियो शायद आप लोग कभी देखे होंगे, भाई साहब मैंने तो नहीं देखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जब क्राउड दिखाऊंगा ना कि किस तरह से कितनी लंबी लाइन है बोटिंग के लिए, कितनी लंबी लाइन है एंट्री लेने के लिए, तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। और इतना शोर शराबा, इतना क्राउड की पूछिए मत भाई। 12 से 14 लाख लोगों की भीड़ कम नहीं होती। पूरा CST से लेके ना गेटवे ऑफ इंडिया का रोड ही जाम है। लोग पैदल, बसों से, ऑटो से, मतलब अपने साधन से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी शाम में यहाँ क्राउड और बढ़ने वाली है। हमारे पीछे देखिए, पूरा क्राउड ही क्राउड आपको देखने को मिल रही होगी। पूरा क्राउड, ये देखो, पूरा इधर भी क्राउड, इधर भी क्राउड। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि 15 अगस्त 2023 के दिन यानी इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ का क्या माहौल है, क्या नज़ारा है। तो चलिए गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अभी हम गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने ही वाले हैं और ये उसके बाहर का नज़ारा है। देख सकते हैं गाड़ियों का जाम काफ़ी पीछे तक है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना पैदल भी आ रहे हैं। देखो मेरे सामने पैदल कितने लोगों की भीड़ है और यहीं से गेटवे ऑफ इंडिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और सामने आपको भीड़ भी दिखाई दे रही होगी कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर गाइज देखिए, ये लाइन लग रही है भाई साहब, लाइन तो इतनी ज़बरदस्त लग रही है। उधर से लोग निकल भी रहे हैं और इधर से देखिए कितनी गर्दी जा रही है गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पर सामान वगैरह चेक करवा के जाना पड़ रहा है। ये 15 अगस्त के दिन का वीडियो है भाई। यहाँ पर देखो कितनी गर्दी है आज के दिन। इधर भी देखो, सामने देखो, इधर से भी रास्ता खुल गया और मैं अपने पीछे का भी थोड़ा आपको दिखा दूँ। ये देखो भाई, पीछे देखो कितनी भीड़ आ रही है। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा, जहाँ पर आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज फाइनली हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं और गेटवे ऑफ इंडिया मेरे सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देख सकते हैं, ये है एंट्री गेट, जहाँ से हमें अंदर आना पड़ता है। रोज़ यहीं से हमें अंदर आना पड़ता है। और ये रहा हमारा ओबेरॉय होटल और ताज होटल। पहले चलिए मैं गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा टूर कराऊंगा और यहाँ पर दिखाऊंगा कि कहाँ से आप लोग बोटिंग कर सकते हैं और आज के दिन यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउड है। ये पहले देखो, ये चारों तरफ का नज़ारा, इधर से भी बोटिंग हो रही है, सामने से भी बोटिंग हो रही है। और ये देखो भाई साहब भीड़, कितनी ज़्यादा गर्दी है। ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये ताज होटल, ये ओबेरॉय होटल, जिसे यहाँ पर 5-स्टार होटल के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसे जमशेद जी टाटा जी ने ताज होटल को बनवाया था। अभी हम चलिए एकदम किनारे तक आपको ले चलेंगे और देख सकते हैं भीड़ तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको आज का पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। अभी तो भीड़ और बढ़ेगी भाई। और देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पे आज के दिन भाई साहब हमारा तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त के दिन भाई पूरा इंडिया स्वतंत्रता दिवस यहां पर मना भी रहा है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा लोग गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर वैसे तो रोज़ाना भीड़ लगती है, लेकिन आज की भीड़ कुछ अलग ही है। बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, बहुत ज़्यादा। और बता दें आपको, बोटिंग के लिए ना लाइन लगभग 5 किलोमीटर लंबी लगी है, 5 किलोमीटर लंबी। और CST से लेके गेटवे ऑफ इंडिया के लिए पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। लोग गाड़ियों से नहीं, ज़्यादातर तो लोग पैदल ही आ जा रहे हैं, क्योंकि जब तक लोग यहाँ पर कैब वगैरह से पहुँच रहे हैं ना, टैक्सी वगैरह से, वैसे ही लोग पहुँच रहे हैं पैदल ही। ये देखो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया, इसी तरह दिल्ली में है इंडिया गेट। बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये है हमारा ताज होटल। और यहाँ पर देखो क्राउड, चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे आपको इसी तरह की क्राउड यहाँ पर नज़र आएगी। आइए हम चलते हैं किनारे के छोर पे, वहाँ से भी पूरा नज़ारा आपको थोड़ा दिखाते हैं, समुद्र का व्यू भी आपको दिखाते हैं। ये देखो चारों तरफ, देखो यहाँ पर जैसे भाई साहब ना चूटे होते हैं ना, चूटे चूटियाँ, इस तरह की भीड़ चारों तरफ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। और ये देखिए, ये बोटिंग के लिए लंबी लाइन देखो कहाँ से लगा है। ये लंबी लाइन इधर से जा रही है ना पूरा किनारे तक। अभी मैं उधर भी ले चलकर दिखाऊंगा कि ये लाइनें कहाँ के लिए जा रही हैं। ये देखो लाइन लगी है बोटिंग के लिए भाई, बोटिंग के लिए लाइन लगी है। और ये ताज होटल के सामने भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आप देख ही रहे होंगे इस वीडियो में कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड इकट्ठा हुई है। ये देखो चारों तरफ भाई,
क्या भाई साहब व्यू है आज के दिन का। और यहाँ पर देखो कबूतरों की टोली नीचे बैठी हुई है, लोग दाने डाल रहे हैं, सारे कबूतर चुन चुन के यहाँ पे खा रहे हैं। और ये समुद्र का व्यू, समुद्र आज के दिन काफ़ी शांत है भाई, काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का। एक बारी मैं आपको किनारे से भी दिखा देता हूँ कि देखिए इधर कितनी ज़्यादा क्राउड है, चारों तरफ आपको क्राउड ही क्राउड नज़र आएगी। भीड़ तो इतनी ज़्यादा है ना कि यहाँ पे कई जन लोग खो गए हैं, कई लोगों को अनाउंस करवाना पड़ रहा है कि हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारे पिताजी इधर हैं, हम स्टेशन पे खड़े हैं, आ जाइए। तो चलिए थोड़ा सा गेट ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं आगे तक, और आगे से पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। इधर देखिए लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं भाई, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ये मुंबई का सबसे फेमस प्ले है ताज होटल, ओबेरॉय होटल और साथ में गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर आने से इंसान तीनों जगह घूम भी लेता है, और साथ में भाई साहब आज यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है फिलहाल, यहाँ पर अंदर भी जाने को मिलता है पूरा आगे तक, और साथ में यहाँ पर लोग बोटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। आइए अब मेन पे ले चलते हैं, मेन पॉइंट पे। और आपको बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा था ना, तो इसी गेट के रास्ते से उनकी आखिरी जहाज गई थी, यानी वो इसी गेट के रास्ते से भारत छोड़ के गए थे। ये उनकी रानी जब आई थी विक्टोरिया, तभी ये बनाया गया था, और इसी रास्ते से ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ये गेट के रूप में बनवाया गया था, अंग्रेज सरकार ने बनवाया था, लेकिन इसी रास्ते से वो लोग आखिरी बार भारत छोड़कर गए हुए थे। और ये आज फेमस प्लेस में से एक बन गया भाई, मुंबई की सबसे फेमस जगह, क्राउड ही क्राउड, ये देखो क्या नज़ारा है दोस्तों। ये मुंबई की एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर रोज़ाना ना लाखों लोगों की भीड़ लगी ही लगी रहती है। और इधर देखो, इधर बोटिंग वगैरह हो रही है, सारे बोट अंदर खड़े हुए हैं, और आपको लाइन में लगना है भाई, टिकट लेना है, फिर आपको बोटिंग करने का मौका मिलेगा। देखिए अभी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे कि कहाँ से लोग टिकट ले रहे हैं, और पहले ये देखिए क्राउड। और आज के दिन ना करीब 10 से 12 लाख लोगों की क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हुई है। ये ताज होटल भाई साहब काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, और ये अपना गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं आप लोग, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, और इसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। पूरा इतिहास इसका जानना होगा तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ये देखो भाई भीड़ कितनी तगड़ी भीड़ है, मैं आपको चारों कोने से नज़ारा दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक भी कोने आपको पैर रखने की जगह हो, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इधर देखो टिकट मिल रहा है बोटिंग के लिए, टिकट दिया जा रहा है भाई 150 60 रुपये, 150 पहले 60 रुपये था, अब 150 हो गया। और ये देखो लाइन बोटिंग के लिए, लाइन पूरा ताज होटल के कोने से लगी हुई है, और करीब 5 मीटर लंबी लाइन यहाँ पर लगी है सिर्फ बोटिंग करने के लिए, जिनको बोटिंग करना है। इधर देखो इसी जहाज़ में लोग ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी, यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, और कुछ लोग यहाँ पर घूम के आ चुके हैं, उनको उतारा जा रहा है, और उतारने के बाद भाई साहब इन लोगों को बैठाया जाएगा, बारी बारी से लोगों को घुमाया जा रहा है। फिलहाल आज के दिन ऊपर बैठा के नहीं घुमाया जा रहा है। अब देखिए वो लोग उतर गए, अब जितने लोग भी खड़े थे टिकट लेकर वो लोग अंदर जा रहे हैं, अब बोट में बैठेंगे, और बैठने के बाद इन लोगों को सैर सपाटा कराया जाएगा, और पूरा समुद्र के अंदर तक घुमाया जाता है। ये देखो ओवरलोड हो गया था भाई, कुछ लोगों को उतारा गया, बोला गया कि आप लोग बाद में बैठ के घूमिएगा। और गाइज यहाँ पर बोट जो है वो स्टार्ट हो गई है, और देखिए ये बोट हमारी आगे बढ़ने लगी, ऐसे ही लोग बोटिंग करने के लिए जाते हैं। और समुद्र में बोट कैसे चलती है, पूरा इंजन वगैरह लगा रहता है अंदर, आप देख सकते हैं ये बोट जो है लोगों को घुमाने के लिए निकल पड़ी यहाँ से। ये बोटिंग सिर्फ एक ही साइड नहीं, इधर भी चल रही है। आइए थोड़ा सा मैं आपको इधर भी दिखा दूँ, इधर देखो, इधर तो कई सारी बोट है भाई, ये देखो ये भी बोट पूरा भर के जा रही है, और बगल वाली बोट लोगों को घुमा के लेकर आ रही है। 150 पर पर्सन किराया है टिकट का, और इस तरह से आप लोग बोटिंग कर सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में। ये देखो ये सारी जितनी भी बोट खड़ी है ना, सब लोगों को घुमाने के लिए खड़ी हैं, और आसानी से आप लोग इस बोट में टिकट लेकर घूम सकते हो। तो अभी मैंने उस साइड का नज़ारा दिखा दिया है, अब गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के ठीक बीचों बीच में आ गया हूँ। और ये देखो अभी भी ये लाइन भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार यहाँ पे 15-20 बोटें चल रही हैं, और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा गर्दी है, गर्दी और ज़्यादा ना धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, और आज तो यहाँ पर
सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भाई, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्योंकि ना ऐसा नहीं हो रहा है कि भीड़ है तो ये भीड़ कम हो जा रही है, पूरा भीड़ यहाँ पर, कुछ भीड़ जा रही है तो कुछ भीड़ आ रही है। इस तरह का नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऐसा नज़ारा तो मैंने कभी नहीं देखा था, एक साथ इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा गर्दी मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, और कई सारे लोगों के हाथों में आप लोग ना यहाँ पर झंडे भी देख रहे होंगे, और आज के दिन तो गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर भी झंडा यहाँ पर लहराया गया है। ये है भाई साहब आज के दिन गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा, देख सकते हैं चारों तरफ लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आए हैं, और सबके हाथों में आज झंडे ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। देखो इधर झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे, भारत का प्यारा सा तिरंगा। और फिर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ इन भीड़ों के बीच में, ये देखो इधर भी झंडा, उधर भी झंडा, इधर भी झंडा, और फिर देखो इधर भी झंडा भाई, इधर भी हमारा तिरंगा झंडा। इस तरह से आज आपको भीड़ में इतने सारे फ्लैग देखने को मिल रहे होंगे, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। 15 अगस्त के दिन लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए और घूमने के लिए और गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल देखने के लिए आए हुए हैं, और काफ़ी हद से ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। इधर देखो एक तिरंगा इधर हमारा लहरा रहा है। तो ये है आज के दिन गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा, और देखो ये हमारा तिरंगा भी शांत है। लेकिन दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल घूमना है तो आपको सबसे पहले CST रेलवे स्टेशन आना होगा, वहाँ से आप लोग टैक्सी ऑटो ले सकते हैं, 30 रुपये टैक्सी का लगता है। ये देखो बाहर कितनी ज़्यादा क्राउड निकल रही है और कितनी ज़्यादा क्राउड अंदर जा भी रही है। ये मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ से लोगों की एंट्री वगैरह होती है। और इधर का नज़ारा देखो, इधर भाई साहब पूरे जवान लगे हुए हैं। और इधर का नज़ारा देखो जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, बाहर बोतल का पानी ले सकते हो, चाय, इडली, डोसा सब कुछ इधर मिलता है। और यहाँ पर देखो भाई साहब लोग तिरंगा को लहराते हुए यहाँ पर फोटो वीडियो लोग क्लिक करवा रहे हैं भाई बारी बारी से। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं ताज होटल के सामने ताकि ताज होटल को आपको हम नज़दीक से दिखाएं और उधर का भी नज़ारा आपको हम दिखा सकें। तो फाइनली हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इधर भी लोगों के हाथों में तिरंगे ही तिरंगे देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा ताज होटल सामने, और ताज होटल के सामने देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर इकट्ठी हुई है। इधर से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। और बाजू में ही गेटवे ऑफ इंडिया है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस इलाका है। और मुंबई में सबसे ज़्यादा भीड़ ना यहीं पर देखने को मिलती है, रोजाना यहाँ पर ऐसी ही भीड़ आपको मिलेगी। फिलहाल आज के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये देखो हमारा ताज होटल भाई साहब, क्या खूबसूरत होटल है। इसकी पूरी हिस्ट्री ना मैंने अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बता रखी है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि इसको किसने बनवाया था, इसको बनाने में कितना खर्च आया था, पूरी जानकारी मैं दिया हूँ। और भाई साहब ताज होटल के सामने ही ना पूरा सी फेसिंग इलाका है, और ये ताज होटल और ये पूरा सी फेसिंग इलाका, समुद्र, अरब सागर देख सकते हो, जहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, ये रहा वो जगह। और यहीं से गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखता है। ये देखो चारों तरफ का नज़ारा, ये गेटवे ऑफ इंडिया भाई अपना, और इसके बाजू में कितने जन लोगों की भीड़ है ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इधर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, देखिए इधर अंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सीप नाव खड़ी हुई है इधर अंदर, वो भी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं गाइस नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।